राष्ट्रीय परशुराम परिषद के तत्वधान में अखिल भारतीय 2 दिवसीय चिंतन वर्ग का आयोजन धर्म नगरी वृंदावन में किया जा रहा है। रुक्मणी विहार स्थित एक होटल में आयोजित चिंतन वर्ग के प्रथम दिन उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष राज्यमंत्री व राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक संरक्षक सुनील भारद्वाज भराला समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता के साथ साथ फिल्म अभिनेता राहुल भट्ट ने भी सहभागिता की। चिंतन वर्ग में जहाँ भगवान परशुराम के महान व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया, वहीं संगठन की मजबूती पर मंथन किया गया। इसके साथ ही फिल्म आदि पुरुष के ट्रेलर में दिखाया गया हिंदू संस्कृति पर आपत्तिजनक दृश्य पर आक्रोश व्यक्त किया गया। राज्य मंत्री व परिषद के संस्थापक संरक्षण सुनील भारद्वाज भराला ने फिल्म आदि पुरुष में रावण को अलाउद्दीन खिजली के वेश में दिखाए जाने की निंदा की। साथ ही बताया कि परशुराम परिषद का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब वर्ग के लोगों को शिक्षित करना है, जिससे वे राष्ट्र निर्माण में सहभागिता बन सके। वहीं फिल्म अभिनेता राहुल भट्ट ने आह्वान किया कि सभी सनातन धर्मी अपने घरों में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही बताया कि परिषद द्वारा परशुराम जी की प्रतिमा एवं फरसा वितरित किए जा रहे हैं। में हलाया गया है आज तो ऐसे बड़े ज्वलंत मुद्दे। फिर दूसरा एक बड़ा एक ताजा जो बहुत सारे यहाँ राज्यों के अध्यक्षों ने रखा है कि आदि युग पुरुष एक फिल्म आई है कोई तो आदि पुरुष, उस फिल्म में उस एक्टर ने जो रोल अदा किया है कोई सैफ अली खान थे, तो उसने रावण को, रावण महाब्राह्मण थे, पंडित थे, आतताईक भी थे, लेकिन राम और रावण की जो एक हिंदू संस्कृति है उसकी एक झलक अलग है, तो उसमें भी उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जैसे भेष में रावण को दिखाया है। उस पर भी एक राजनीतिक प्रस्ताव और संगठन और उसको लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद जो श्री परशुराम विश्वविद्यालय और श्री परशुराम धाम स्थापित करना, देश के ऐसे निर्धन और गरीब जो वंचित हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, परिवार हैं, उनके बच्चे, उनको शिक्षित करके इस देश के राष्ट्र निर्माण में निकलना, ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद के आदि मुद्दों को लेकर के ये चिंतन वर्ग है। और किस दिशा पर हमें को जाना है उसका एक दिशा तय हो रही है। तो इस वृंदावन भगवान श्री कृष्ण जी की इस भूमि पर यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है। उसी क्रम में हमारे मुख्य अतिथि एक सत्र में जो है देश के बड़े अभिनेता जो बड़े फिल्म दुनिया में एक जगत में अपना परिवार और अपना नाम इनका है, तो आज वो भी यहाँ पर पधारे हैं इस कार्यक्रम में। तो राहुल भट्ट जी का भी हमने यहाँ अभिनंदन और स्वागत किया है। एक्चुअली मेरा बचपन का ही एक बहुत ही, मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, तो श्री कृष्ण से एक अलग गीता सार ये सब करके ही हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, ये सब पढ़ के इनको, इनसे ज्ञान की बातें सीख कर, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी कि जब भी मुझे कोई मौका मिले वृंदावन आने का और मैं बोलूं कि नहीं, नहीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और यहाँ बांके बिहारी जी से मेरे अंतरात्मा के कुछ संबंध है और मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं अवश्य यहाँ आता हूँ। दूसरी बात रही कि मुझे लगता है कि जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज से पंछी फिरी जहाज पे आवे, तो मैं वो समुद्री पंछी हूँ जो जहाज पे बैठा हूँ और जहाज चल पड़ा है, दूर दूर तक धरती है नहीं, मैं फिर उड़ के फड़फड़ाता हुआ उसी जहाज पे आता हूँ। परशुराम जी जो हैं वो ब्राह्मणों के भगवान हैं और मुझे ये इतनी अत्यंत प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूँ कि हमारे बराला जी ये काम कर रहे हैं, परशुराम जी के नाम को घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है एज ए अभिनेता या फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जो मैं आता हूँ, मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ कई चीज़ें, मुझे लगता है कि परशुराम जी पर अवश्य एक फिल्म बननी चाहिए, मगर बहुत ध्यान से, बहुत संभल के और उसको सही तरीके पे, उसका जो प्रोडक्शन होगी उसमें परशुराम परिषद के सारे सदस्य, भराला जी, हमारे महंत साहब, हर आदमी को साथ लेकर चल के एक कमाल की एक फिल्म बना सकते हैं ताकि हम घर घर तक परशुराम जी का नाम पहुंचा सकें। कि आज जिस तरह से, ये गलत कहना है कि आज जैसे हालात है, आज हालात हमेशा वैसे ही थे, हालात आज वैसे नहीं है, हालात 10 साल पहले भी वैसे ही थे, 15 साल पहले भी वैसे ही थे, और हालात ये सरकार कम से कम हालात चेंज करने की कोशिश तो कर रही है,
प्रयास तो चल रहा है और प्रयास सिर्फ प्यार से होता है, प्यार से ही प्रयास हो सकता है, बाकी तो और कोई दूसरा तरीका है नहीं। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे, हम तो कश्मीरी पंडित हैं और हमारे साथ हमेशा ही, ये पहली बार माइग्रेशन नहीं हुई हमारी, बहुत पहले भी हुई है और हमेशा ही होती आ रही है, ये अत्याचार तो होता आ रहा है जी। इन हालातों पे अब मेरा सिर्फ यही कहना है कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। और जैसे भराला जी ने कहा अभी कि वहाँ एक हमारे जो मंदिर है वहाँ उनकी संपत्तियाँ हैं, ट्रस्ट है, जैसे हमारे जहाँ से मैं आता हूँ उसका नाम है विचारनाग, विचारनाग का एक मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। कहते हैं जब भगवान शिव जा रहे थे अमरनाथ की तरफ तो वो रुके वहाँ, वो वहाँ रुके तो जटाओं से पानी निकला तो वहाँ एक कुंड बना, उस कुंड में 100 फीट नीचे बीच में शिवलिंग है जी। बलाल जी मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, आप मेरे साथ चले वहाँ,